हे छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट इन सी। सी में प्रोग्राम के डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। सिंस सी इज ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और मेमोरी रिक्वायरमेंट आर डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम एंड आफ्टर इट आवर प्रोग्राम नाइदर कैन एक्वायर मोर मेमोरी नॉर कैन रिलीज द फ्री मेमोरी। यानी जब हम सी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के समय पे ही प्रोग्राम जो है रिक्वायर्ड मेमोरी एलोकेट कर लेता है और उसके बाद उस मेमोरी के किसी पार्ट को रिलीज नहीं करता और न ही न्यू मेमोरी की डिमांड करता है ना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, ये इसमें हमने 9 एलिमेंट स्टोर किए हैं और 9 एलिमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी है वो स्टार्टिंग में ही एलोकेट हो जाएगी और उसके बाद ये 9 ब्लॉक्स जो है रिजर्व रहेंगे। न तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड की जा सकती है और न ही कोई इसकी पार्ट्स को रिलीज किया जा सकता। सपोज इसमें हमें 5 एलिमेंट ही स्टोर करते हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है वो ब्लॉक्स जो है अभी वेस्टेज रहेगा। और यदि हम इसमें 10 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें नई मेमोरी जो है एलोकेट नहीं होगी और इसमें न्यू एलिमेंट स्टोर नहीं होगा। तो इसके लिए फॉर दिस पर्पज सी लैंग्वेज प्रोवाइड ए सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस कॉल्ड द डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस टू एलोकेट एंड डी एलोकेट द मेमोरी एट द एग्जीक्यूशन टाइम। यानी सी लैंग्वेज हमें कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल कराती है जो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। बाय द एलोकेशन वी मीन्स दैट आवर प्रोग्राम कैन ऑब्टेन एज मच मेमोरी एज रिक्वायर्ड बाय आवर प्रोग्राम। यानी एलोकेशन का मीन्स ये होता है कि जैसे ही हमारे प्रोग्राम को और अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है तो हमारा प्रोग्राम उसे एक्वायर कर सकता है। और बाय डी एलोकेशन मीन्स दैट द मेमोरी रिक्वायर्ड डायनेमिक सॉरी मेमोरी एक्वायर्ड डायनेमिकली कैन बी रिलीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो मेमोरी एक्वायर की गई है उसको प्रोग्राम किसी भी समय डी एलोकेट कर सकता है यानी रिलीज कर सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट मेमोरी एलोकेटेड डायनेमिकली। ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो मेमोरी हम डायनेमिकली एलोकेट करते हैं मस्ट बी डी एलोकेटेड बिफोर द प्रोग्राम फिनिश द एग्जीक्यूशन। जो मेमोरी एलोकेट की गई है उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ही फिनिश कर दें जिससे कि दूसरा प्रोग्राम उसे यूज कर ले, उस मेमोरी का यूज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और प्रोग्राम के लिए अवेलेबल करा दे। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझता है कि ये मेमोरी जो है पर्टिकुलर प्रोग्राम के द्वारा यूज की जा रही है और वो मेमोरी किसी अदर प्रोग्राम को एलोकेट नहीं होगी। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है वो मेमोरी को रिलीज नहीं करेगा, इसलिए हमें कुछ डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट मेथड या फंक्शंस यूज करने होते हैं। तो सी लैंग्वेज प्रोवाइड सम फंक्शंस टू अचीव दिस टास्क। सी लैंग्वेज इस तरह का टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस अवेलेबल कराती है। दीज फंक्शंस आर अवेलेबल इन द हेडर फाइल एलोक डॉट एच। ये सभी फंक्शंस हमारे एलोक डॉट एच में अवेलेबल होते हैं और दीज फंक्शंस आर द मैलोक डॉट एच मैप एम फोर मेमोरी इफ एलोक मेमोरी एलोकेशन सी कैलोक फंक्शन यानी करेक्शन ऑफ एलोकेशन फ्री फंक्शन एंड री एलोक फंक्शन। ये 4 फंक्शंस है जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए या डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए सी में यूज किए जाएंगे। तो इनको पढ़ते हैं 1 बाय 1। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैलोक फंक्शन। मैलोक फॉर मेमोरी एलोकेशन मेथड इन सी यूज टू डायनेमिकली एलोकेट ए सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द स्पेसिफाइड साइज। यानी ये एक लार्ज ब्लॉक का जो स्पेसिफाइड साइज है उसको मेमोरी वो साइज हमारा एलोकेट करता है। और यदि ये फंक्शन जो है एलोकेटेड मेमोरी को एलोकेट करेगा तो ये उस पर्टिकुलर मेमोरी का जो पॉइंटर होगा यानी मेमोरी एड्रेस होगा वो एलोकेट करेगा। इट रिटर्न्स द पॉइंटर ऑफ टाइप वाइड विच कैन बी कास्ट इनटू द पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म। जिसको हम किसी भी फॉर्म में यानी किसी भी तरह का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। सिंटैक्स होंगे इसकी पॉइंटर इक्वल टू कास्ट यानी डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर मैलोक फंक्शन एंड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी में जो भी बाइट्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इट टेक्स 1 आर्गुमेंट। ये फंक्शन जो है 1 आर्गुमेंट लेगा
दैट स्पेसिफाई द साइज ऑफ ब्लॉक इन बाइट्स, जो मेमोरी ब्लॉक्स का साइज जो है बाइट में स्पेसिफाइड करता है। फंक्शन रिटर्न्स ए पॉइंटर टू द एलोकेटेड मेमोरी इफ सक्सेस, यदि एलोकेटेड मेमोरी जो है एलोकेट हो जाएगी तो ये उसका मेमोरी एड्रेस या पॉइंटर एलोकेट कराता है, अदरवाइज इट रिटर्न्स नल, नहीं तो ये पॉइंटर में नल वैल्यू रिटर्न करता है। एग्जाम्पल के लिए पॉइंटर यदि एक वेरिएबल है, पॉइंटर इक्वल टू इंटीजर पॉइंटर मैलोक फंक्शन 100 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, यदि इंटीजर का साइज हम 2 बाइट मानते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर साइज निकालता है इंटीजर का, तो 2 इंटू 100 यानी 200 बाइट्स का जो फंक्शन मेमोरी ब्लॉक है वो ये पॉइंटर पॉइंट करेगा यदि सक्सेस होता है, और यदि सक्सेस नहीं होता तो रिटर्न जीरो करेगा। यदि 4 बाइट का इंटीजर वैल्यू है तो हमारे 100 इंटू 4 यानी 400 बाइट्स का एक ब्लॉक रिजर्व करता है, एलोकेट करता है, और यदि सक्सेस होता है, और यदि सक्सेस नहीं होता तो ये नल वैल्यू जीरो रिटर्न नल रिटर्न करता है। देखिए यदि हमने इंटीजर पॉइंटर पॉइंट किया है, इंटीजर पॉइंटर मैलोक फंक्शन और 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, यदि इंटीजर को 4 बाइट का अज्यूम किया है यहाँ पे, तो 4 इंटू 5 यानी 20 बाइट्स का एक ब्लॉक जो है पॉइंटर में पॉइंट्स हो जाएगा, यानी इस ब्लॉक का जो एड्रेस होगा बेस एड्रेस वो पॉइंटर को एलोकेट होगा, और यदि यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती तो पॉइंटर की वैल्यू नल होती है। तो इस तरीके से सक्सेस होने पे प्रोग्राम पॉइंटर पॉइंट करेगा और सक्सेस नहीं होने पे ये रिटर्न नल करता है। ये छात्र सेकंड होता है हमारा कैलॉग फंक्शन, यानी कैलॉग फॉर कंटिगुअस एलोकेशन, यानी फॉर द एरे डायनेमिकली एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। एरे के लिए जो डायनेमिकली एलोकेशन होती है उसके लिए हम कैलॉग फंक्शन का यूज करते हैं। तो कैलॉग फंक्शन सिंटैक्स होगी हमारी पॉइंटर इक्वल टू कास्ट ऑफ टाइप यानी डेटा टाइप, पॉइंटर कैलॉग फंक्शन एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे एंड साइज ऑफ वन एलिमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कैलॉग फंक्शन कंटिगुअस एलोकेशन एलोकेट करता है, यानी कंटिगुअस एलोकेशन किस में होती है, एरे एलिमेंट्स में होती है जिसमें कंटिगुअस नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एरे और साइज ऑफ वन एरे सॉरी साइज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ एरे, वन एलिमेंट का साइज और नंबर ऑफ एन एलिमेंट, तो जो भी नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड साइज होगा वो यदि पॉइंटर जो है सक्सेस होगा तो वो ब्लॉक कंटिगुअस ब्लॉक जो है रिटर्न करेगा, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस पॉइंट करेगा, और यदि सक्सेस नहीं होता तो रिटर्न नल करता है ये भी। तो इंटीजर पॉइंटर यदि हमने लिया है इंटीजर पॉइंटर कैलॉग फंक्शन 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, इंटीजर का साइज यदि 4 बाइट ही अज्यूम किया है तो 4 और इंटू 5 यानी 4 बाइट के 5 ब्लॉक रिजर्व करता है। देखिए पहले वाले में और इसमें मैलोक और कैलॉग फंक्शन में क्या था कि वहाँ पे 5 इंटू 4 यानी 20 बाइट का एक ब्लॉक रिजर्व किया था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 4 बाइट के 5 ब्लॉक जो है एलोकेट किए हैं। तो पॉइंट एरे का जो बेस एड्रेस होगा वो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, और इस तरीके से ये 20 बाइट का एक 4 एलिमेंट के लिए जो है मेमोरी एड्रेस या पॉइंटर एलोकेट होता है। ये छात्रों नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन डी एलोकेट्स द मेमोरी एलोकेटेड बाय द मैलोक और कैलॉग फंक्शन, यानी मैलोक और कैलॉग फंक्शन के द्वारा जो मेमोरी एलोकेट की गई है उसको फ्री करता है फॉर द अदर प्रोग्राम्स, अदर प्रोग्राम के लिए, कि ये मेमोरी जो है एग्जीक्यूशन से पहले प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने से पहले जो एक्वायर्ड मेमोरी है उसको फ्री कर देता है, जिससे कि वो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी अदर प्रोग्राम को एलोकेट कर दे। जैसे कि हमने इंटीजर टाइप का कैलॉग फंक्शन से ये 20 बाइट का 5 एलिमेंट के लिए ब्लॉक रिजर्व किया था, तो जैसे ही हमारा ऑपरेशन कंप्लीट होता है प्रोग्राम एंड होता है तो एंड करने से कंप्लीट करने से पहले हम फ्री फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि ये मेमोरी जो है डी एलोकेट हो जाएगी और इस मेमोरी पे कोई अदर एलिमेंट स्टोर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 3 फंक्शन इस वीडियो में पढ़े हैं, इसके प्रोग्राम मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, और जो थ्योरी है वो थ्योरी के नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं, आप उन सबको पढ़े और इसको डिटेल में समझे। जो एक रिमेनिंग फंक्शन है रियलॉग उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।